अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आईटी विद सोनिया राजपूत। बहुत टाइम पहले मैंने विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी में अवेलेबल एक ऐप ई शेयर, जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड थी, उस पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसके ज़रिए आप टीवी को ईजीली अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते थे। यानी आप मोबाइल को टीवी के रिमोट की तरह यूज़ कर सकते थे, टीवी के चैनल्स एंड वॉल्यूम को चेंज कर सकते थे, मोबाइल में अवेलेबल वीडियोस एंड गेम्स को टीवी की बड़ी स्क्रीन पर प्ले कर सकते थे और साथ ही साथ मोबाइल में अवेलेबल फोटोज़ और फाइल्स को भी टीवी की बड़ी स्क्रीन पर देख सकते थे, यानी मोबाइल को टीवी पर कास्ट कर सकते थे। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स को प्रॉब्लम यह आई कि इनके टीवी में ई शेयर ऐप अवेलेबल ना थी। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ, जिसे आप टीवी और मोबाइल के ऐप स्टोर से ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं और जो डेफिनेटली आपके टीवी में वर्क करेगी, और वो भी बिल्कुल ई शेयर ऐप की तरह, बल्कि उससे भी बेटर वर्क करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह मैं आपको बताना चाहूँगी कि विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी से रिलेटेड मैं ऑलमोस्ट 50 प्लस यानी 50 से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरी उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसे क्लिक करके इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरी ऑल वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी अपलोडेड ई शेयर की ऐप की वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टीवी के ऐप स्टोर में चले जाइए। और इसकी सर्च बार में लिखिए CETT। ऑलरेडी ऐप सामने आ चुकी है, यह है सीटस प्ले फॉर टीवी। आई डोंट नो इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट मुझे यही लगा कि इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो मैं इसलिए इसको सीटस प्ले फॉर टीवी प्रोनाउंस कर रही हूँ। मुझे इस ऐप को अपने टीवी में डाउनलोड करना है। ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस ऐप पर आ जाइए, और इस ऐप पर आने के लिए मैं रिमोट से एग्जिट का बटन पहले प्रेस करूँगी ताकि मैं इस कीबोर्ड में से एग्जिट हो जाऊँ। और डाउन नेविगेशन की को प्रेस किया तो सीटस प्ले फॉर टीवी इस ऐप के ऊपर मैं आ चुकी हूँ, और इसमें एंटर होने के लिए मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगी रिमोट से। मेरे पास चूँकि ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसलिए ये वाला डिस्प्ले मिला है मुझे। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं होगी तो आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी, और आपने जस्ट उसको डाउनलोड को प्रेस करना है तो ये ऐप आपके टीवी में डाउनलोड हो जाएगी। अगर ये ऐप आपको टीवी के स्टोर में नहीं मिलती है तो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इसके लिए जस्ट आपने अपने टीवी के ब्राउज़र को ओपन करना है। और इसकी सर्च बार में लिखना है सीटस प्ले। और कीबोर्ड से गो का बटन प्रेस कर देना है एंड गो। तो यहाँ टॉप पे जो आपको वेबसाइट शो हो रही है, बस आपने इसी को ओपन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीटस प्ले की वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है डाउनलोड एपीके, और इसके नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं एपीके फॉर एंड्रॉयड टीवी ऑब्लिक बॉक्स एंड फायर टीवी ऑब्लिक स्टिक। आपने इस वाली ऐप को डाउनलोड करना है। फर्स्ट वाली जो है डाउनलोड एपीके, ये एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए है, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन को नहीं आपने क्लिक करना, और जो सेकंड ऑप्शन है उसको आपने क्लिक कर लेना है और इस ऐप को अपने एंड्रॉयड टीवी में डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद ऑब्वियसली इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास सीटस प्ले ऐप का ये डिस्प्ले टीवी पर शो होने लग जाएगा। और हाँ, अगर आपको टीवी में किसी भी ऐप को या इस ऐप को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो उस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट होती हूँ। और ऐप्स में जाने के बाद मैं इसको एंटर करके ओपन कर लेती हूँ। ये बॉटम में मेरे पास ऐप है, एंटर किया मैंने, तो बस अभी टीवी के ऊपर मुझे यही काम करना था। और अब इसके बाद मुझे जाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन में, तो मैं आपको मिलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आ चुकी हूँ, और मुझे अब जाना है मोबाइल के प्ले स्टोर में। इसमें ओपन कर लेती हूँ, और ओपन करने के बाद इसकी सर्च बार में लिखती हूँ सीटस प्ले CETUSPLAY एंड एंटर।
ये जो सेकंड नंबर पे ऐप शो हो रही है एग्जैक्टली आपने इसी ऐप को डाउनलोड करना है, जो फर्स्ट पे है फायर टीवी यूनिवर्सल रिमोट एंड्रो सीटस प्ले, आपने इसको डाउनलोड नहीं करना है। तो सेकंड नंबर वाली जो ऐप है इसको डाउनलोड करना है। मैं आपको इसका आइकॉन दिखाती हूँ ओपन करके इस ऐप को, ये देखिए। अब आप इस आइकॉन को केयरफुली वॉच कर लीजिए क्योंकि आपको इसी आइकॉन की ऐप को इंस्टॉल करना है और इसके ऊपर लिखा हुआ है सीटस प्ले टीवी रिमोट सर्वर आर बीटा। सीटस प्ले ग्लोबल की ये ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमने मोबाइल में भी कुछ सेटिंग्स करनी है और सेटिंग्स के लिए मैं सेटिंग्स को ओपन करती हूँ और आपके फ़ोन में जो भी आपके फ़ोन का अबाउट सेक्शन है उसमें एंटर हो जाइए। या तो ये सिस्टम में होता है या माई फ़ोन में होता है, तो मेरे फ़ोन में ये अबाउट सेक्शन जो है माई फ़ोन में है और यहाँ से मैंने इसके बिल्ड नंबर को 7 times टैप करना है जिससे डेवलपर ऑप्शन मेरे फ़ोन में एनेबल हो जाएगी। कंक्लूजन ये है कि आपने अपने फ़ोन के बिल नंबर को फाइंड करना है और उसके ऊपर 7 times टैप करना है। ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके बाद अगर आपके फ़ोन में पासवर्ड है तो पासवर्ड मांगा जाएगा। यू आर नाउ आर डिवेल्पर, तो डिवेल्पर ऑप्शन कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बॉटम में सिस्टम को ओपन किया, बिल्कुल जो लास्ट ऑप्शन है डिवेल्पर ऑप्शन इसको ओपन किया और यहाँ पे आपने डिबगिंग ऑप्शन को एनेबल कर लेना है। ये यूएसबी डिबगिंग इसको मैं एनेबल कर रही हूँ। अलाउ यूएसबी डिबगिंग, ओके दैट्स इट। फ़ोन में मुझे अब यही सेटिंग्स करनी थी और इसके बाद जाके अब मैं अपनी ऐप को ओपन करती हूँ। ऐप है जी सीटस प्ले, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ऑब्वियसली नेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए और वही कनेक्ट होना चाहिए जो आपके टीवी में है। तो ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं एक चीज़ स्लाइड किया जा रही है जो कि है मैनेज कनेक्शन, तो इसको मैं क्लिक करके ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा टीवी मुझे शो हो रहा है जो कि है स्मार्ट टीवी, इसको मैं क्लिक करके कनेक्ट कर लेती हूँ। अभी आप इस दौरान देखें तो टॉप पे करंट वाईफाई के सामने अननोन SSID लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं स्मार्ट टीवी पे टैप करूँगी तो ऊपर अननोन SSID की बजाय वो नेटवर्क शो होने लग जाएगा जिसे मेरा स्मार्ट टीवी कनेक्टेड है। तो यहाँ से मैं टैप कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरे ये ऐप टीवी से कनेक्ट हुई है तो सामने लिखा हुआ आ गया है सीटस प्ले हैज कनेक्टेड टू योर स्मार्ट टीवी। ये देखिए जी स्मार्ट टीवी के आगे कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया है और साथ ही साथ ऐड भी आ गई है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं, बॉटम से मैं बैक का बटन प्रेस कर रही हूँ और अब आप देख सकते हैं टॉप पे स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आ गया है जहाँ पे मैनेज कनेक्शंस था। और अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको 4 boxes शो हो रहे हैं, इसको मैं क्लिक करके ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स शो हो रहे हैं। फर्स्ट है डी पैड मोड, टच पैड मोड, थर्ड है माउस मोड और फोर्थ है न्यूमेरिक कीपैड एंड फिफ्थ है गेम पैड मोड। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीपैड ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ से न्यूमेरिक कीपैड को ही यूज़ करते हुए अपने टीवी के चैनल्स चेंज करूँगी और उसके वॉल्यूम को चेंज करके दिखाऊँगी। तो इस स्क्रीन से एग्जिट होने के लिए मैं साइड पे सिंगल टाइम टैप करती हूँ, तो अब मैं वहाँ से एग्जिट हो चुकी हूँ। तो अब हमारा फ़ोन बिल्कुल रेडी है, तो अब हम चलते हैं अपने टीवी की स्क्रीन पर। अब मैं आपको मोबाइल यूज़ करते हुए टीवी के चैनल्स चेंज करके दिखाती हूँ। यहाँ मोबाइल ऐप के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नेविगेशन कीज़ हैं। अपर नेविगेशन की को प्रेस करेंगे तो चैनल नेक्स्ट प्ले होने लग जाएगा और अगर डाउन नेविगेशन की को प्रेस करेंगे तो प्रीवियस चैनल प्ले होने लग जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा नेक्स्ट चैनल, अगेन प्रेस करती हूँ तो नेक्स्ट चैनल आ गया। इसी तरह अगर मैं डाउन नेविगेशन की को प्रेस करती हूँ तो प्रीवियस चैनल, अगेन डाउन नेविगेशन की को प्रेस करती हूँ तो प्रीवियस चैनल प्ले होने लग गए। और अब इसी तरह मैं आपको वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करके दिखाती हूँ। और वॉल्यूम के लिए यहाँ पे 2 keys हैं, एक है ये तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे 2 keys हैं, दोनों स्पीकर के साइन बने हुए हैं। राइट साइड पे एक की है जो कि वॉल्यूम को बढ़ाएगी और लेफ्ट साइड पे एक की है जो कि वॉल्यूम को कम करेगी। अगर मैं लेफ्ट साइड की को प्रेस करूँगी तो वॉल्यूम कम होने लगेगा, देखिएगा अगेन प्रेस करूँगी अगेन कम होगा।
जितनी बार मैं टैप करूँगी उतनी बार वॉल्यूम कम होगा। और अब मैं आपको वॉल्यूम बढ़ा के बताती हूँ, ये देखिएगा, सिंगल टाइम मैंने इस पर टैप किया जो राइट साइड पे स्पीकर है, अगेन टैप किया, तो जितनी बार मैं टैप करूँगी उतनी बार वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर आप इन नेविगेशन कीज़ को यूज़ किए बगैर डायरेक्टली न्यूमेरिक कीज़ को प्रेस करके चैनल को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं एक नंबर प्रेस करती हूँ एंड ओके का बटन प्रेस करती हूँ, तो ये देखिए न्यूमेरिक कीज़ को भी प्रेस करके आप इजीली चैनल को चेंज कर सकते हैं। वैसे इस ऐप में एक्सप्लोर करने को और भी बहुत कुछ है, जैसे कि टॉप लेफ्ट साइड पर जो 3 लाइन्स हैं इनको मैं प्रेस करती हूँ, और जो सेकंड ऑप्शन है प्ले ऑन माय टीवी इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ आपको वीडियोस, पिक्चर्स एंड फाइल्स की ऑप्शन मिल जाती है। यानी आप अपने मोबाइल की वीडियोस, पिक्चर्स एंड फाइल्स को टीवी के ऊपर इजीली प्ले कर सकते हैं। और जब चाहें रिमोट को यूज़ करना तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको रिमोट की ऑप्शन शो हो रही है, ये वाली, इसको जैसे प्रेस करेंगे तो रिमोट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अगर इसके बावजूद आप जो न्यूमेरिक कीज़ वाला रिमोट है उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से वापस जाने का बटन प्रेस करेंगे, टॉप पे जो 3 लाइन्स हैं इनको प्रेस करेंगे और जो टॉप पे ऑप्शन शो हो रही है रिमोट इसको प्रेस करेंगे तो न्यूमेरिक कीज़ के साथ रिमोट आपके सामने आ जाएगा, जिसमें बॉटम में होम, मेन्यू और रिवर्स की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। ये सारी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर लीजिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।